हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऐसा तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मैं क्या करूँ? वेल, चौकिंग चौकिंग सा हो रहा, बाकी तो सब ठीक है। हमारे यहाँ आज वेदर फिर बदल गया है। देखिए आप, वेदर तो कुछ बदली सी है। सूरज जिन्हें कहा गया वो भी मैं भी उसको ढूंढ कर आती हूँ। सूरज को मैं भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना? जस्ट किडिंग, मैं कहाँ से ढूंढ पाऊँगी? अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। आज की सुबह हुई, मैंने नाश्ता किया, सब कुछ किया, फिर सोचा अब कुछ रील्स बनाऊँ, खाना बनाऊँ, 11 बजने वाले हैं, और फिर उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग शुरू करूँ, लेकिन अभी मेरे को मेरे जो अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम स्केड्यूल सेट करूँगी, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे डेली व्लॉग शुरू करना है कि नहीं। पर अभी मैं 2 दिन में एक बार तो डाल दूँ। सो यस, आप लोग और अभी मैं बैठी हूँ साइकिलिंग करने में, साइकिलिंग कर रही हूँ, मोजे पहने हूँ, टाइट क्योंकि ठंड का वेदर का भी ध्यान रखने को। चलिए अभी मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ होता है और मेरे से नहीं बनता तो मैं थोड़ी अपने आप को वीक फील करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। पर अब क्या करेंगे, खांसी और गला सारा कुछ ऐसे ही हुआ पड़ा है। तो चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरा लंच। तो लंच में मैं क्या बना रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैंने क्या क्या करके रखा है। मैंने चावल चढ़ा दिए थे तो जो बन रहे हैं, और इधर सेम उबल रही है, सेम की सब्जी बनाऊंगी। मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, लेकिन अभी मैं टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, तो बिना टमाटर की बनाऊंगी। बट इट्स ओके, और अब दाल बना लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरा लंच। तो मैं बनाने चली हूँ मूंग की दाल आज। इसमें भी टमाटर नहीं डालूंगी आज क्योंकि गला मेरे को ठीक करना है, मेरे को थक गई मेरे गले से। तो धो के बनाने की तैयारी करती हूँ। ये सेम उबल चुकी है तो इसको हटाएंगे। मेरे राइस भी बस बन गए हैं और नाउ टाइम फॉर द दाल। और ये भी मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि अब मैं इसको भी पका लूंगी, पर पहले मैं दाल को पका लूंगी। तो हम उसको देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ मूंग की दाल। आप सबको पता है कि ये बहुत हेल्दी स्टफ है, फ्रेश मिलती है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते थे जब हम छोटे थे। तो मम्मी बनाती थी ना घर में, तो हरी सब्जी नहीं खानी होती थी। ये भिंडी तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होती थी, भिंडी मैं नीचे से फेंक देती थी ऐसे, मुझे नहीं खाना भिंडी क्योंकि खाने में मैं जरा पिकी हूँ। मुझे खाना, आप चाहे फिर दाल दो, दाल भी बना दो, टेस्टी बनाओ, ये मेरा फंडा है। आप भिंडी बना रहे हो उसको अजीब अजीब बना रहे हो, गीली गीली सी। मेरे को इसलिए उड़द की दाल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो चिकनी चिकनी होती है। तो ये लाइक एनीथिंग लाइक चिकना चिकना लाइक मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे को नहीं हो पाता है चिकना चिकनी चीज़। लाइक भिंडी अगर ड्राई बनेगी देन आई लीट इट, बट अगर वो थोड़ी सी गीली और ऐसी ऐसी होती है ना फिसलती हुई, तो भिंडी और उड़द की दाल नहीं खाना पसंद मुझे, क्यों कि गीली गीली होती है, गिल गिली चिकनी होती है, इसलिए मैं अजीब इंसान। तो मैंने हींग
नहीं डाली है, अब मैं इसमें डालूंगी हींग। और क्योंकि हमारी ज़ीरा थोड़ा और ब्राउन हो जाए फिर मैं ये डालूंगी धनिया। टमाटर है पर डाल ले रही हूँ मैं। ओह मैंने मैं लहसुन डालना भूल गई तो मैं इसको ऊपर से ही डाल देती हूँ। ये अभी तो तेल है, ब्राउन रहेगा। ये ऐसा काम करती हूँ मैं, देख लो कभी कभी खोपड़ी काम नहीं करती मैं, खूब गलतियाँ करती हूँ। जब मैं लगता है मेरे को मेरे से बहुत गलतियाँ हो रही तो मैं चुप से बैठ जाती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मेरे को डिजास्टर पसंद नहीं है। आई थिंक किसी को भी नहीं पसंद है। थोड़ी सी लहसुन को तो ये हमारी ये ब्राउन हो चुकी है और अब मैं डालूंगी हल्दी मिर्ची नमक और इसी समय हम डाल देंगे धुली हुई दाल। को थोड़ा भूनेंगे भूनने के बाद इसमें डालेंगे देखिए ये इस तरह से आएगी और उसको हम ठीक लगाएंगे। पानी में और डालूंगी ये तो दाल दाल जैसी होना चाहिए, सूखी सूखी नहीं अच्छी लगती। नमक ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, कर देती हूँ। तो अब मैं बनाने चली हूँ सेम की सब्जी बालोट, जिसके लिए मैं डालूंगी तेल थोड़ा अच्छा डालूंगी। उसको तेल को होने देंगे गरम। अब इसमें डालूंगी जीरा हींग क्योंकि इससे गैस बहुत बनती है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मैंने हल्दी मिर्ची धनिया लिया है और ये खड़ी मिर्च भी ली है क्योंकि इसका स्वाद ही अलग आएगा। अगर अगर हम ये डालते हैं खड़ी मिर्ची तो उससे जो बीज है वो जब मुंह में आते हैं खाते वक्त मजा आ जाती है। तो इसमें अभी हम डालेंगे ये नमक
नमक मैंने उबालते समय डाल दिया था थोड़ा, तो अभी मैं थोड़ा कम नमक डालूंगी। और ये है आलू, ये भी मैंने इसके साथ ही उबाला था। अभी जो पानी उबाल के हमने निकाला था, उबाल के डाल था, मैं इसको यूज करूंगी क्योंकि सारे हेल्थी न्यूट्रिशन तो इसमें चले जाते हैं और ये इसमें ऐसा गल जाएगा। जब इसको गल जाएगा तो सारी चीजें इसमें अंदर एब्जॉर्ब होगी, स्वाद अलग ही आना है। सूख गई है, अब मैं इसको खाएगी। और ये इधर ये है हमारी दाल, ये हो गई है ज्यादा गाढ़ी, पर मेरे को ऐसे ही चाहिए। अभी मेरे को पतली पसंद है, पर अभी मेरे को भूख लग रही है तो मैं ऐसे ही खाऊंगी, मुझे लगेगा बाद में तो मैं पानी डाल लूंगी। सो ये है मेरी दाल और ये है मेरी सब्जी जिसमें मैं डालने वाली हूँ हरा धनिया। तेल बहुत अच्छा कम डाला है, विच आई लाइक इट, क्योंकि हमेशा सब्जी में तेल ज़्यादा हो ही जाता है जितना मैं चाहती हूँ उससे। सो यस, ये हमारी सब्जी तैयार है। ये मैं मेरे लिए दाल निकाल गई हूँ क्योंकि मेरा लंच टाइम हो गया है। ये है मेरे लिए सेम की सब्जी, ये मैं कुकर ढाकूंगी। दिस इज गरम गरम राइस। यम्मी खाना, आप लोग आइए मेरे साथ खाने। ये मेरा सलाद, राइस, दाल। तो अब मैं खाना खाएगी, यम यम। ये दाल, आई मीन सेम की सब्जी और ये दाल। बहुत ही गर्म में बहुत ज्यादा दुआ करेंगे। परफेक्ट, नमक मिर्च खट्टा नहीं है क्योंकि खट्टा डाला नहीं, स्टिल इज गुड। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड प्लीज यूट्यूब पे जाके कमेंट करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू, बाय।